माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आज प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने भी दोनों की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल शाम 5 बजे से 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। एक जमाने तक जिस माफिया का खौफ इतना था कि लोग उसके सामने ऊंची आवाज में बोलने से घबराते थे, आज कोर्ट से बाहर निकलते ही उसी माफिया पर वकीलों ने जूते चप्पल फेंके। कोर्ट परिसर में अतीक अहमद मुर्दाबाद, उमेश पाल अमर रहे, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पेशी के बाद नैनी जेल पहुंचे अतीक अहमद ने बेटे असद के एनकाउंटर पर अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि सब मेरी वजह से हुआ है। सीजेएम कोर्ट प्रयागराज में आज पुलिस रिमांड पेपर की कॉपी से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिमांड पेपर की कॉपी में इस बात का जिक्र है कि अतीक और उसका गैंग पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के रास्ते आने वाले हथियारों को खरीदकर अपना खौफ का साम्राज्य मजबूत करता था। रिमांड में लेकर पुलिस अतीक और अशरफ से उसके इस पाकिस्तान कनेक्शन पर भी पूछताछ करेगी, जिससे इस माफिया के अपराध तंत्र की और परतें खुलेगी और उससे उसके अपराध तंत्र पर पुलिस और शिकंजा कस सकेगी।